रीज़न बीइंग कि पेमेंट आना ही हमारे लिए कंप्लीट काम नहीं है रीज़न बीइंग जब तक वो चेक रियलाइज नहीं होता और हमारे अकाउंट में नहीं आ जाता बैंक अकाउंट में तब तक उसको हम पेमेंट कंसिडर नहीं करते हाँ रिसीव ज़रूर कर लिया है हमने इस पूरी चीज़ को भी हम अपने क्विक बुक्स में ट्रैक करते हैं और जैसे ही हम कोई ना कोई अपना डिपॉजिट बैंक में जमा कराते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि वो किस बैंक में हमने जमा कराया है और जब तक बैंक की स्टेटमेंट हमारे पास नहीं आती कि आपका ये चेक क्लियर हो गया हमारे पास ये चीज़ एक तरीके से आउटस्टैंडिंग पड़ी रहती है याद रहे कि जब भी हमने ये कलेक्शन की थी पेमेंट्स की वो एक ख़ास अकाउंट में जाके जमा होती रही थी वो तो कौन सा अकाउंट है आइए हम आज वो भी देखते हैं और हम उस अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में वो अमाउंट कैसे डालेंगे वो भी हम आज अपने इस लेसन में चेक करेंगे बेसिक काम हमारा ये है कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं और हमने वो उठा के डिपॉजिट करवाने हैं अपने बैंक अकाउंट में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीशन की तरफ ले जा रहा है उस ट्रांजैक्शन को जो एक इन के थ्रू शुरू हुई थी तो आइए क्विक बुक्स पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होता कैसे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा हमेशा से काम जब शुरू होता है तो वो हमारे होम पेज से शुरू होता है होम पेज पे हमने बहुत सारी लास्ट टाइम भी आपके सामने हमने पेमेंट्स रिसीव कर ली आइए फॉर क्लेरिटी लेट्स रिसीव अनदर पेमेंट दिस टाइम अगेन फ्रॉम आर ओल्ड कस्टमर क्रिस बेकर और हम उसकी एक पूरी इन्वॉइस जो पिछली दफ़ा पार्शली रह गई थी उसको हम जो है सेलेक्ट करते हैं ये पार्शली इस तरह से रही हुई थी कि इसके टोटल अमाउंट 1.53 मिलियन थी और ये पार्शली पेड है 1.514 उसने हमें इस पूरे अमाउंट का चेक भेज दिया है और ये भी हमारे पास अब हमारे पास चेक आ गया है और डिपॉजिट हो गया है इसको हम सेव करते हैं और क्लोज करते हैं अब हमने ये देखना है कि नेक्स्ट स्टेप पे ये जितने भी हमारे पास चेक आए हुए हैं उनको हमने किस तरीके से अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना है क्योंकि असल काम ये है कि हम इन तमाम जितने भी चेक हैं उनकी क्लियरेंस लेकर आए उसका तरीका ये है कि हमारे पास इसी कंटिन्यूशन में अगर आप देख रहे हैं एस्टिमेट क्रिएट इन वॉइस रिसीव पेमेंट और रिकॉर्ड डिपॉजिट्स अब हम ये डिपॉज़िट रिकॉर्ड करने आए हमारे पास ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी पेमेंट्स रिसीव हुई है उसकी तमाम की डिटेल आ गई इसमें हमारे क्रिस बेकर के भी चेक मौजूद हैं और इसके अलावा इस तारीख में जितने भी अन चेक्स हैं उन तमाम की लिस्ट मौजूद है हम चाहें तो एक सेलेक्ट कर लें चाहे तो ये सारे सेलेक्ट कर लें वन सकेंड ये सारी चीजें हम पे डिपेंड करती है अच्छा हो सकता है कि हम इनमें से चंद सेलेक्ट करें एक बैंक अकाउंट के लिए और चंद सेलेक्ट करें दूसरे बैंक अकाउंट के लिए ये भी सारा कुछ हम पे मुनसर है इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें आपको आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की रहनुमाई जरूरी है क्योंकि उसने आपको बताना है कि कौन कौन से चेक किस किस अकाउंट में हमने जमा कराने अगर आपके पास सिर्फ एक ही अकाउंट है तो ये तमाम चेक एक ही अकाउंट में जमा हो जाएंगे आइए चेक करते हैं कि ये कैसे होगा जो चेक हमने डिपॉजिट करवाने उनको हम मार्क कर लेंगे क्योंकि चेक पार्शली डिपॉजिट नहीं हो सकता याद रखे पेमेंट इनवॉइस की पार्शली आ सकती है चेक पार्शली डिपॉजिट नहीं हो सकता चेक की पूरी अमाउंट ही हमेशा आपके पास जाएगी अच्छा जरूरी नहीं कि सारे चेक हम एक ही दफा में जाके डिपॉज़िट करवा दें रीज़न क्या है रीज़न ये होती है कि बहुत सारे लोग हमें बार दफा चेक भेजते हैं और कहते हैं कि यार दो दिन तीन दिन या एक हफ्ता रुक जाओ उसके बाद जमा करा देना या वो हमें पहले ही पोस्ट डेटेड चेक दे देते हैं पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है पोस्ट डेटेड चेक वो होता है जिसकी तारीख अभी आने वाली है। चेक उन्होंने हमें पहले दे दिए अगर आज पंद्रह तारीख है तो उसने हमें पच्चीस तारीख का चेक दे दिया तो ये चेक आज ज़रूर हमें मौसू हो गया लेकिन हम इसे डिपॉजिट नहीं करा सकते डिपॉजिट कब कराएंगे हम हम कराएंगे इसे 25 तारीख को ही तो इस केस में हमने ये चेक जो है वसूल कर लिए हैं और इनको हम सेलेक्ट करके कहेंगे कि इनको वी आर रेडी टू डिपॉजिट इन आर अकाउंट अब जैसे ही हमने इसको ओके किया और सेलेक्ट किया तो वो तमाम चेक्स जो हमने अभी आज बनाए थे और एक में जिसमें हमने चेक नंबर भी लिखा था वो हमारे सामने नजर आना शुरू हो गए एक चीज याद रखें कि ये हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि ये किस अकाउंट में बैंक अकाउंट में जा रहे हैं अभी हमने कोई बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं किया अगर हम क्रिएट करना चाहें तो हम इसी वक्त यहां एक नया बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अभी हमारे सारे चेक हमारे चेकिंग बैंक अकाउंट के अंदर जा रहे हैं और हो सकता है कि हम इसे सेविंग बैंक अकाउंट की दलाल डाल दें ले। ले। लेकिन ये हमारे पास एक जेनेरिक ऑप्शन मौजूद है हमें चाहिए कि हम स्पेसिफिकली बताएं क्योंकि ये अकाउंट्स हमारे लिए है हम उसको स्पेसिफिकली बताएं कि हमारा अकाउंट नंबर ये है और उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिपॉजिट करा रहे हैं उसके लिए हमें एक नया अकाउंट खोलना चाहिए लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल इस वक्त हम नया अकाउंट नहीं खोल रहे इस वक्त हमारे पास जितने भी आए हुए हैं चेक्स उन सबको हम एक जगह जमा करा रहे हैं और वो है हमारा चेकिंग अकाउंट दूसरी चीज आपको याद होगा कि हमने प्रेफरेंसेस में पेमेंट्स में जाके जो चीज सेलेक्ट की थी वो तो ये थी कि ये अमाउंट जो हम पेमेंट के तौर पे कलेक्ट करेंगे वो पेमेंट कलेक्शन और डिपॉजिट के दरमियान किस अकाउंट हेड में जाके सेव रहेगी तो वो थी हमारी अनडिपॉजिटेड फंड वाला हेड चार्ट अकाउंट में भी ये हेड मौजूद है और अगर आप यहां देख सकते हैं तो यहां ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अनडिपॉजिटेड फ़ंड्स में इस हेड के अंदर ये हमारी सारी रकम जो यहां लिखी हुई है ये सारी की सारी मौजूद है हो सकता है कि इसके अलावा भी वहां अमाउंट्स पड़ी हों और वो अमाउंट इसलिए पड़ी होंगी कि अगर आपने लिस्ट देखी थी तो उसमें ये तीन से ज़्यादा और हमारे कस्टमर्स के भी चेक मौजूद थे तो हम बड़ी आसानी से ये कर सकते हैं कि हमारे पास जितने चेक मौजूद हैं वो सारे के सारे हम ले आए उनको सेलेक्ट कर लें और एक ही वक्त में जब हम बैंक भेजें डिपॉजिट स्लिप के साथ तो उसमें ये तमाम चीज़ें यहाँ डिटेल के साथ लिख दें अगर कोई मेमो लिखना चाहें मेमो भी लिख सकते हैं लेकिन जैसे ही हमने ये पूरी स्क्रीन अपनी कंप्लीट की ऑटोमेटिकली कंप्लीट हुई है क्यों हमने चूज़ किया हुआ है कि ऑटो कंप्लीट हो और इसने कुछ भी नहीं किया हमने वहाँ चेक अपने जो थे वो चेक बॉक्स के साथ हमने चेक किए हैं ऑटोमेटिकली यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं आप सेव एंड क्लोज़ करेंगे तो ये अमाउंट अब हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल में सही मानों में कैश की सूरत में मौजूद है इसका मतलब ये है कि अब अकाउंट रिसीवेबल से ये पैसे निकल गए हैं और हमारे पास कैश इन बैंक की सूरत में बढ़ गए इसी तरह जितने हमारे पास पैसे आते जाएंगे अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट उसको हमने सबसे पहले वेरीफाई करना है उसको हमने रिसीव पेमेंट करनी है और आफ्टर रिसीविंग पेमेंट हमने उन्हें डिपॉजिट करवाना है अपने अकाउंट्स में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही हमारे पास फंड्स आएंगे सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल खड़ा करके इन्वाइस बनाने से ये फंड्स नहीं आएंगे यू हैव टू रिसीव पेमेंट एंड डिपॉजिट द सेम इन आर बैंक अकाउंट अगर कैश आ गई है तो आप कैश इन हैंड में उसे शो करेंगे ये चीज़ ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकलियाँ होगी लेकिन आपको सारी डिटेल अकाउंट्स डिपार्टमेंट बताएगा कि कौन कौन से चेक्स इस वक्त तैयार हैं जो डिपॉजिट कराए जा सकते हैं लेकिन यू शुड नो क्योंकि आप हैं एक्सपर्ट इस पूरे क्विक बुक्स के आपको पता होना चाहिए कि, कि किस तरीके से हम ये अपने बैंक अकाउंट में सारी की सारी रकूम पहुँचाते हैं अब हमने अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने इन्वाइस बनाकर उसकी पेमेंट कलेक्ट की है और फाइनली पेमेंट कलेक्ट करने के दौरान हमने अपनी इन्वासेस मार्क कर ली हैं जिसकी अगेंस्ट वो पेमेंट आई थी उसके बाद फाइनली हमने उसे अपने अकाउंट में बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है और डिपॉजिट कराते वक्त भी हमने ये देख लिया है कि कौन कौन सा चेक डिपॉजिट हो सकता है कोई ऐसा चेक तो नहीं है जो कि हमारे क्लाइंट ने एक कस्टमर कह के रुकवा दिया हो या कोई पोस्ट डेटेड चेक तो नहीं है ये सारी चेकिंग के बाद हमने सेलेक्ट वो वाले चेक किए हैं जो कि डिपॉजिट हो सकते थे और हमने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए अब हमारे चार्ट ऑफ़ अकाउंट में भी बैलेंस शीट में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अगेंस्ट कैश इन बैंक और अगर वो कैश जमा कराया गया है तो कैश इन हैंड और अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा इस अमाउंट से कम हो गया सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू